दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देगी। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, एक बड़ा फैसला लिया है आपने, क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था या कोई और मजबूरी है? 10 साल से हमारे काउंसिलर काम कर रहे थे, तो हमने ऐसा निर्णय लिया कि अब नए चेहरों को लाते हैं, तो हम उसमें किसी को पिक एंड चूज नहीं करना चाहते थे, सबके साथ समान न्याय हो। तो हमने नए चेहरों को लाने के लिए एक नई पॉलिसी बना ली है, और ये विचार पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, हमारे कोर कमेटी के स्तर पे मिल करके किया हुआ निर्णय है। किसी एक का निर्णय नहीं होता है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो नए लोग आएंगे वो दिल्ली के लिए और भी दक्षता से काम करेंगे, और जो पुराने हैं उनमें से हम कितने को पीछे विधानसभा लड़ा चुके हैं, अभी हमने 2 को प्रदेश का महामंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, जिलाध्यक्ष बनाया है, उनकी क्षमता बहुत है, उनकी क्षमता का और भी उपयोग हो। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है, नहीं लगता कि उनके साथ अन्याय है या वो नाराज़ हो सकते हैं, बागी भी हो सकते हैं, खतरा है इस तरह का? तो जो अच्छा काम कर रहे हैं वही ना महामंत्री बनते हैं, प्रदेश का महामंत्री, विधानसभा का टिकट दिया जाना, उनकी क्षमता का सदुपयोग होता है, और नए चेहरों को भी तो लाना पड़ेगा ना भाई। एक इम्पोर्टेंट फैसला आपने ये भी किया कि उनके रिश्तेदारों को आप टिकट नहीं देंगे, तो क्या ये फॉर्मूला नेताओं पर भी लागू होगा कि जो संगठन के नेता हैं उनके परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा? जो लोग काउंसिलर हैं उनके परिवार को अभी टिकट नहीं दिया जाएगा, उनके लिए भविष्य में स्थान हो। केजरीवाल जी की बात करें सर, उन्होंने कहा है कि पेपर बैलेट से चुनाव कराया जाए, पेपर बैलेट क्या है ना, गड़बड़ी न तो बैलेट बॉक्स पेपर में है, न गड़बड़ी ईवीएम मशीन में है, एक गड़बड़िया ही अरविंद केजरीवाल और अजय माकन के दिमागवा में है, उसका क्या करेंगे? 29 करोड़ का फंड सामने आया है जो दिल्ली से बाहर प्रचार में खर्च किया है, सीएजी की रिपोर्ट है, कैसे देखते हैं आंकड़े को आप? 29 करोड़ का जो फंड दिल्ली का बाहर खर्च किए, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पर मैं आपसे कल बात करूंगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। शुक्रिया आपका। तो ये थे मनोज तिवारी, जिनका ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं, अरविंद केजरीवाल के दिमाग में गड़बड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्षदों को टिकट देने का, ना देने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अब नए मौकों को, यानी नए चेहरों को मौका दिया जाए। कैमरा में ललित के साथ राघवन द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।